من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. आज तारीख इस्लाम की 656वीं नशिस्त है और ये मुनाकिद हो रही है कॉन्फ्रेंस हॉल जामा मस्जिद आलिया घर फाउंड्री में. आज बतारीख 6 सितंबर 2014 ईस्वी मुताबिक 10 ज़िलक़ाद 1435 हिजरी बाद नमाज असर बरोज़ हफ्ता. और इसे मुखातिब कर रहे हैं आपके जाने पहचाने स्कॉलर मुखर्रिर जनाब इकबाल अहमद इंजीनियर साहब. उनका तारुफ मैं क्या कराऊँ. अगर आप उर्दू अखबारात रोज़ पढ़ते हैं तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वो शायद ही किसी दिन का अखबार ऐसा होता हो जिसमें उनके खिताब ना आते हों. खिताब के मवाद और गहराइयों के पेश नज़र उसकी वजह से शहर की कई तंजीमें उनके खिताब की मुंतज़िर रहती हैं और बजा तौर पर अखबारात नुमायाँ तौर पर उनके खिताब शाया करते हैं. हजरात, जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, हमारा तौर तरीक़ ये रहा है कि हम उन्वान के लिए मुखरिर साहब ही को दावत देते हैं कि वो खिताब जिस उन्वान से करना चाहें वो उन्वान हमें लिखा दें. चुनाचे हमारे मुखरिरीन पस मंज़र को पेश नज़र रखते हुए हालात के लिहाज से और अय्याम के लिहाज से वो जो है हमें उन्वान तजवीज़ करते हैं. अब आप देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है. अगले शायद एक महीने के अरसे में हमें क़ुरबानी की ईद मनाना है. ऐसे मौक़े पर हज़रत इब्राहीम औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किस कदर माना खेज है, मानवियत रखता है. और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियत से ईसाइयत तक. अब वो आपको तो मालूम है यहूद कौन है और ईसाई कौन है. अब मैं क्या समझाऊँ आपको, मवाद जब आपके सामने पेश होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. ये एक बात आपसे अर्ज़ करूँ कि एक और अहम खिताब चहारशंबे के दिन है और वो है इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी. डॉक्टर अखील हाशमी मुखातिब कर रहे हैं. ये भी आपके जाने पहचाने मुखर हैं. शायद 100 से ज़्यादा खिताब हो गए इनके यहाँ पे. और महफिल इकबाल शिनासी की 770वीं नशिस्त को मुखातिब करेंगे वो चहारशंबे के दिन. मुझे सभी उम्मीद है कि आप उसमें भी शिरकत फरमाएंगे. हाँ जी हाँ, इसका भी जिक्र कर दूँ मैं. बहुत अच्छा फरमाया आप कि कल ही परसों हमारे महाफिल का सिलसिला बंद रहेगा. पीर के दिन आपको मालूम है शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की नशिस्त होती है. लेकिन ये है कि अब उस दिन जो कुछ भी जुलूस है आप जानते हैं, उस वजह से इसका इम्कान होता है कि रास्तों में रुकावटें पैदा हों
और हमारे सामईन को ये शिकवा हो कि साहब अहम अनुमान रख के आप जो है हम पाने के लिए कोई दूसरा दिन नहीं रखे, लिहाजा वो मसलहत इसी में समझी गई कि उस दिन निश्चित न रखी जाए। तो हमने उस दिन कोई किसी को जहमत नहीं दी, कोई मुखरी साहब को, लिहाजा पीर के दिन जो है वो निश्चित नहीं रहेगी। और इसके साथ ही मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि कल सुबह बहुत ही अहम उन्वान से पब्लिक गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन का एक लेक्चर है पब्लिक गार्डन में जो 7 बजे से होगा, और उसका उन्वान वायरस तो आप जानते हैं ऐसे जरासीम जो फैल जाते हैं और एक दूसरे को बात करने से या हाथ मिलाने से या मरीज के करीब आ जाने से होते हैं और फिर मच्छर इसका पैदाइश का बायस होते हैं डेंगू का। तो वो डेंगू और इसके ऊपर जो लेक्चर है वो माहिर फन का है जो आपके मशहूर दवाखाने अपोलो हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं और उससे आप काफ़ी इस्तेफादा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, 2-3 दिन तो छुट्टियाँ ही रहेंगी। कल सुबह 7 बजे पब्लिक गार्डन तशरीफ लाइए इंदिरा प्रिया दर्शनी हॉल में, वो ऑडियो वीडियो के साथ होता है लेक्चर, इस वास्ते उसकी अहमियत होती है। आप खुद अगर एक दफ़ा शरीक हों, हर माह एक लेक्चर होता है, अगर एक दफ़ा शरीक हों तो आप, मेरा ख्याल है कि हर माह पाबंदी से आएंगे, क्योंकि उसमें मुफ्त के मशवरे मिलते हैं और सवाल जवाब भी ऐसे होते हैं कि उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आज के मुखरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह शह नशीन पर तशरीफ लाएँ और सामईन को इस्तेफादे का मौका। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मोहतरम ग़ुलाम यज़दानी साहब और हाज़रीन महफ़िल, इससे क़ब्ल एक अनुमान था इब्राहिम औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़ाहिब, और उसमें हम आज के जो मज़ाहिब हैं जिसमें यहूदियत है उसके ताल्लुक से बात की गई थी, ताकि इस्लाम को मौजूदा दौर में यहूदियों से जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं उसकी वजूहात मालूम हो सके कि उनकी बुनियाद क्या है मज़ाहिब की, ताकि हम उनकी उठाई गई हुई साजिशों को समझने और से निपटने की कोशिश कर सकें। आज उसी सिलसिले में उसी बनी इसराइल का एक और मज़हब ईसाइत, उस पर भी रोशनी डालेंगे कि भाई ईसाइत है क्या चीज़ और यहाँ कहाँ से शुरू हुई और आज जिस मुकाम पर ठहरी है वो क्या है और इस्लाम को इससे क्या दरपेश चैलेंजेस हैं और इससे कैसे निपटना चाहिए, ये चीज़ हमारे मौजू में है। कोशिश करेंगे कि अगर इंशाल्लाह एक जो वक्त मुहैया है उसमें अगर बातें आ जाएं तो ठीक है, वरना फिर इसके बाद के लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो हमने शुरू किया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, तो साम की औलाद में सारे अंबिया आए, इसीलिए कहा गया कि अंबिया एक ख़ानदान के अफराद हैं, इन्हीं की औलाद में सदर साम की औलाद में इरम हैं, इरम से आद समूद कबीले पैदा हुए, हज़रत आद हूद अलैहिस्सलाम आद में आए हैं और समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके दूसरे बेटे अरफ़खश ये हैं, उनके दूसरे बेटे सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं, हालांकि हमको 2 बेटों का पता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 3रे बेटे भी हैं जिनका नाम मदियन है, उनमें से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन्हीं का चर्चा हमारे पास ज़्यादा होता है, मगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है।
इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिसका हमें सबको पता है। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सारे अंबिया बने इसराइल के आए, और हमें वो भी याद है कि जब अल्लाह ताला ने कहा वह इज़्ज़ब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फतम्महुन्ना खाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي خَالَ لَا يَنَالُ أَحَدُ الظَّالِمِينَ। ये दरअसल बुनियाद है अम्बिया के आने की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, जिसमें अल्लाह ताला खुद कुरान में इसकी तस्दीक करता है कि उस वक्त को बात करो जब हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चंद कलमात में आजमाया और उसमें वो पूरे के पूरे उतरे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बनाना चाहता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब इस्तदुआ की, अर्ज़ की, अल्लाह ताला ये बात मुझे तक महदूद है या कह रहे मेरे औलाद के ताल्लुक से भी कुछ तेरा फ़ैसला है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ फ़ैसला तो है, मगर उन लोगों के ताल्लुक से नहीं जो तेरे औलाद में से ज़ालिम होंगे, यानी अल्लाह के हक़ को नहीं मानेंगे, जुल्म करेंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि हज़रत इब्राहिम सलाम में औलाद में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। तो अच्छे लोगों में ही अंबिया आए, तो उनके उसके बाद जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तस्करा हमें मिलता है। याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल जिनका नाम है, जिसके अरबी में इसराइल तो इब्रानी लफ्ज़ है, उसके माने अब्दल्ला, अल्लाह का बंदा, ईल के माने अल्लाह, इसरा के माने बंदा। इससे पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात थी, इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले हैं, तो अल्लाह ने दुआ की थी अपने बेटे के लिए, तो अल्लाह ने दुआ सुन ली थी, तो इस्माईल अल्लाह ने जिसकी बात सुनी इस्माईल का नाम हुआ। इसराइल जो हैं, इसराइल की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। अच्छी तरह जानते हैं आप कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और वो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी कुरान मजीद में मौजूद है कि 11 सितारे और चाँद और सूरज सजदा करते हुए अपने ख्वाब में देखा, जो बात को ताबीर में आई। तो उन्हीं की औलाद में से पैगंबर आए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद का कोई शिजरा हमें नहीं मिलता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से कौन आए क्या है, इसका शिजरा हमें नहीं मिलता, या बात शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम तक ही जाके ख़त्म हो गई, हमें नहीं मिलता। अलबत्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन में की नस्ल में यूनुस अलैहिस्सलाम आए। उसी तरह आपके और एक भाई हैं इमरान, उनकी नस्ल में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आए। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का भी शिजरा हमें नहीं मिलता, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन आए क्या इसका शिजरा हमें नहीं मिलता। अलबत्ता हारून अलैहिस्सलाम के शिजरे में दो पैगंबर आए, एक तो इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरा अल ईसा सलाम, दो आए। अलबत्ता अगर आप देखेंगे यहुआ और एक भाई हैं इनके, जिसको यहूदा भी कहा जाता, मगर है यहुआ, उनकी नस्ल में बहुत पैगंबर आए। उन्हीं की नस्ल में दाऊद अलैहिस्सलाम है, उन्हीं की नस्ल में सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और देखेंगे आप तो उन्हीं की नस्ल में ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम है, उन्हीं की नस्ल में ईसा अलैहिस्सलाम भी है। और यहूदी, इससे पहले कहा था यहूदी अपना नसब यहूदी इसलिए कहते हैं कि वो यहूदी यहूदा की नस्ल से हैं, और कुरान ने इसकी तरदीद की है। कुरान ने कहा कि तुम्हें तो नस्ल जो है ना इसराइल से मिलानी चाहिए, तुम यहूदी से मिलाते हो, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे। यहूदी खुद कहना, यहूदी अपने आप को कहना अल्लाह को पसंद नहीं है, इन्होंने मजहब खुद निकाला और अपनी नस्ल को महदूद कर दिया यहूद। दूसरे मानों में इमरान से जो है नस्ल मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन से जो यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, उन नस्ल से खुद को अलग थलग करने की इन्होंने कोशिश वहीं से शुरू की। इस एतबार से देखें यहूदियों में जो तफरीक हुई तो सल्तनत इसराइला बना, सतल यहूदिया बना, ये सारी चीज़ें चलती रहीं, बिगाड़ पैदा होता रहा।
बिगाड़ की एक लंबी फहरिस्त है, कुरान ने इसका बड़ा तस्करा किया है और इनके लिए खास लफ्ज़ मग़ज़ूब अलैहिम कहा, जिन पर अल्लाह का गज़ब, वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, इनको मस्कन और ज़िल्लत दी गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यक़्तुलून नबीय्यीना बग़ैर अल-हक़ ज़ालिका बिअन्नहुम यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून नबीय्यीना बग़ैर ज़ालिका बिमा सबू कानू यातदून। तूने अम्बिया को कत्ल भी किया, एक ज़माने में हदीस में तो ये कि एक वक्त में हज़ार से ज़्यादा रसूलों को इन्होंने कत्ल किया। तो काफ़ी सिलसिला है इनका, उसमें जाने की बात नहीं, इससे पहले के लेक्चर में बहुत सारी बातें आ गई। अब इस बिगाड़ में, इस बिगाड़ को उन्होंने शरीयत को भी बदल कर रख दिया। शरीयत में जब बिगाड़ पैदा होता हो, शरीयत में बिगाड़ पैदा ना हो मगर अफ़ाल में बिगाड़ पैदा हो तो अम्बिया आते हैं, मगर शरीयत ही बिगाड़ के रख दी जाए, शरीयत के कोई दूसरे माने बदल दिए जाएं, तो रसूलों को भेजना जरूरी हो जाता है। और ऐसे वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और ईसा अलैहिस्सलाम को जिस ज़माने में भेजा गया उस वक्त यहूदी इल्मी एतबार से भी काफ़ी तरक्की कर चुके थे, और कहा यह जाता कि मेडिकल साइंस में वो काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके थे, इस नतीजे पे पहुँच चुके थे कि इंसान की तख्लीक के लिए माँ और बाप दोनों का होना ज़रूरी है, बग़ैर इसके तख्लीक हो नहीं सकती। इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि इंसान की तख्लीक के लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है, वो ये भूल चुके थे कि इंसान की तख्लीक करने वाला, इंसान का पैदा करने वाला अल्लाह होता है, माँ बाप नहीं होते। एक उसूल है माँ बाप का होना ज़रूरी है, कि उसूल से पैदा ज़रूर होते हैं, हर हमेशा कहीं कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी कह सके मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मेरे में सलाहियत है, बहुत मुमकिन हो कि सलाहियत है मगर बच्चे के पैदा करने की कुदरत नहीं है उसको, इस वास्ते कभी बांझ भी हो जाते हैं, कभी वो भी हो जाते हैं। तो पैदा करना तो अल्लाह के अख्तियार में, वो ये भूल चुके थे, इसलिए तरीका यही रहा, जादूगरी रही तो जादू का मौजूदा आया मूसा अलैहिस्सलाम का। अब जहां वेटरनरी में आपको बड़ा मलका हासिल हुआ तो वेटरनरी का मौजूदा मांगा गया, ऊंटनी मांगी गई कि ऊंटनी दो दूध निकाले, साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। जिस इल्म में आदमी को गुरूर होता है उस इल्म में अल्लाह ताला मौजूदा के तौर पर कोई ना कोई चीज कर देता है ताकि उसकी आजमाइश हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए बगैर बाप के पैदा हुए और उनको यकीन नहीं हुआ कि बगैर बाप के भी कोई बच्चा पैदा होता है, इसीलिए पहला मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुआ वो क्या था, क्या पहला मौजज़ा पैदा जब हुए तो तोहमत लगाई गई हज़रत मरियम पर कि तेरा बाप तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये तू क्या कर बैठी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कुरान के तस्करा है, क्योंकि खुश हमारे पास 100 सफ़ेद बांध कुरान ही है, ये तस्करा बाइबल में नहीं है, इसी बात मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा इसी बच्चे से पूछिए जो पैदा हुआ है। लोग हंसने लगे, कहने लगे कि बच्चा जो पैदा हुआ क्या बात करता है। बच्चे से पूछा गया, बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, मुझ पर किताब आई है और साथ ही साथ ये कि मैं रसूल हूं, तो मैं जवानी में भी पहुँच कर भी रसूल रहूँगा और एक कहल उम्र यानी बहुत ज़्यादा उम्र में पहुँच कर भी मैं रसूल रहूँगा। बच्चे की पैदाइश के वक्त बात हुई, उनको कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बोहतान लगाए मगर बोहतान में कामयाबी नहीं। यहीं से बात शुरू हुई, वो मौजज़ात है जब मेडिकली तौर पर जो इनके लिए नामुमकिन आते वो मौजूद है, पैदाइशी तौर पर अंधा है उसको सीधा नहीं किया जा सकता, मौजज़ा आ गया। पैदाइशी तौर पर अंधा है उसको बिना ही मिल गई, कोढ़ है उसको
सीधा कर दिया गया। यहां तक के आप घर में खा रहे हैं पी रहे हैं, एक हफ्ता पहले की बात याद दिला दी गई। परिंदा बनाया गया, फूंक गया, फूंक मारा गया तो जिंदा होकर निकल गया। इंसानी इंसानी परिंदे भी बना दिए गए। वो उनकी जो तालीम थी वो तालीम के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। ये कैफियत और ये सारी की सारी चीज ईसा अलैहिस्सलाम ने कही कि मैं अल्लाह की तरफ से करता हूं। हालांकि यहूदी शरीयत में अल्लाह के मौजूदात मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदात मौजूद हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजूदात मौजूद हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मौजूद है मौजूदाती तौर पर। उसके बाद उसको कबूल करने में उन्हें आसानी होनी चाहिए थी, मगर वो बिगड़ गए थे। ये मान लेते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजूदाती है, उनके सारे सारे जो ये जो मौजूदात कर रही हैं सिर्फ अल्लाह की तरफ से हैं, तो ये मुश्किल मसला नहीं था कबूल करने में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। मगर वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। खड़े होकर कोशिश ये की अगर ईसा अलैहिस्सलाम को हम मान लें तो हमारी तो हमारा तो इख्तदार जाएगा, इख्तदार कहकर मजहबी इख्तदार तो चला जाएगा। इस एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ महाज बनाया गया और महाज बनाकर उनके अपने मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया और वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हलाक कर दिया गया। ये उनका कहना है। और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थे हव्वारी, कुरान ने हव्वारी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। हव्वारी के माने हैं पाक साफ रखने वाला, सफेद रखने वाला। उसके एक दूसरे माने धोबी के भी हैं। धोबी का मतलब कपड़ा अगर मैला धोला हो तो साफ कर दे, उसको सफाई करके रख दे। तो मतलब ये कि ऐसा आदमी जो शिर्क और कंधे कामों से मैल से हटकर साफ सुथरा हो, या ऐसा दोस्त जो हर मामले में सफाई के साथ आपके साथ होता हो, ये हव्वारी का मतलब। इस हव्वारी की बुनियाद पर ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें नाम हव्वारी दिया। और जब डेढ़ दो साल की जो मेहनत थी उसके बावजूद भी ये लोग इनकार करते रहे, यहां तक के दो ढाई साल भी पैगंबर को बर्दाश्त नहीं कर सके, उनके कत्ल के मंसूबे बनाए गए, ये पूरी तफसीर है। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने हव्वारियों को आवाज दी, क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे? वही من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة۔ یہ بات ہے کون میری مدد، اللہ کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کو آئیں گے۔ یہی انصار سے، یہی انصار سے قرآن نے ان کو نصارہ کا نام دیا۔ मगर आम तौर पर यह बात मशहूर है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नजरत से ताल्लुक रखते हैं, कुरान ने नजरत की ताईद में नसारा का नाम रखा है। आम तौर पे हमारे दरमियान भी बात चलती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नजरत के रहने वाले और खास करके नसारा उस जमाने में और गलीली के रहने वालों को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता था। ये नसारा नाम दिया, मगर ईसाई नाम कैसे पड़ा? आज जो हम ईसाइयत की बात करते हैं, क्या नाम अल्लाह का दिया हुआ है, क्या ईसाइयों ने खुद रखा, ये क्यों अपने आप को ईसाई कहते हैं, ये बुनियादी बात हमें जानना जरूरी है। ये नाम आया कहां से? यहूदी नाम आया यहूदा से हमें मालूम है, मगर ईसाइयत नाम कहां से आया?
ईसाइयत का जो नाम है ये नाम पहली मरतबा 43-42 ईस्वी में अंताकिया में दिया गया, अंताकिया। वो भी इसलिए ईसा अलैहि सलाम के बाद उनके शागिर्द जब तबलीग करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे, लोगों ने बाज उड़ा मकाम बाज पर और बहुत ज्यादा खतलो गारत गिरी शरी, बहुत मारा गया इनको। रोम की सल्तनत ने हर जगह चुन चुन कर मारा इनको, ईसाइयों को। एक लंबा फलसफा है, इनकी 100 साल की जिंदगी 325 तक जहां ईसाई दिखते यहूदियां मारते रहते उसको, यहूदी भी मारते रोमन एम्पायर भी मारते। तो ये जब अंताकिया पहुंचे तो उस वक्त पॉल भी थे। सेंट पॉल की हिस्ट्री क्या है? पॉल जो है जो आजकल क्रिश्चियन में सबसे बड़ा समझा जाते हैं और इज्जत करते हैं लोग, के आज किसी ईसाइयत को पाली की देन समझते हैं, मगर पॉल का ताल्लुक हवारियों से नहीं है। पॉल की पैदाइश ईसा अलैहिस्सलाम के 5 साल बाद हुई और 5 ईस्वी में हुई और 67 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ। तो पॉल का कोई ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम से मिले ही नहीं वो, ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों से मिले। अब उनका भी एक किस्सा है, वो पैदा तो हुए थे यहूदियों में, वो बिन्यामीन की औलाद में से, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में, भाई की औलाद में से, और यहूदी पैदा हुए, उनको यहूदी होने में फ़ख्र था, वो बड़े आलिम थे यहूदियों के। अब उनका किस्सा है कि शाम से आते वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको आसमान से पुकारा, उनका पुराना नाम सावल था यहूदियों, सावल फॉर साइरस, जहाँ पैदा हुए वो जुनूबी मगरब जुनूबी मरकजी इलाका तुर्की का जो है वहाँ पैदा हुए। वहाँ आवाज़ आई कि भाई सावल सावल तुझे मैं क्यों सताता है, तू तो मेरा पैगाम दूसरों तक पहुँचा। तो उस बारे में उन्होंने कबूल किया उसको, ईसाई बने, ईसाई की तबलीग में उन्होंने बाज़ाब्ता ईसाइत को फैलाने के लिए काफ़ी काम किया, ऐसा कहा जाता है। मगर टिंडी अकीदे तसरीस के मौजूद भी वही हैं, वो बाद में थोड़ी देर बाद में उस टॉपिक पे आएंगे। तो अब ये जो है, ये पॉल जो है वह अंताकिया में थे, वहाँ पर बरनबस भी थे, वहाँ पर वहाँ के लोग जो मुशरिक थे वो ईसा अलैहिस्सलाम से उनको मंसूब किए। वो मंसूब करने की वजह क्या थी? यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को ईसाई इसलिए कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो सजा दी गई सलीब में वो मूसा की शरीयत में इंतहाई जलील तरीन सजा है। किसी को सलीब पर लटका कर रख देना यानी इससे ज्यादा जलील तरीन सजा नहीं हो सकती, वो ऐसे आदमी को दी जाती है जो ने ऐसा गंदा काम किया है और लोगों की इबरत के लिए उसको सजा देकर लटका दिया जाता है। तो यहूदी ये मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज बिल्ला ऐसा गंदा काम किया, उनको लटका दिया गया है। ये बात मशहूर है, जब किसी आदमी को उससे मंसूब कर दिया जाए कि ये उस आदमी से ताल्लुक रखता है जो गंदा काम किया था, लटका दिया गया, तो मतलब क्या हुआ? तंस करने के, उनका मजाक उड़ाने के लिए उनसे मंसूब किया करते थे। ईसाई जब किसी आदमी को पुकारा गया अंताकिया में, इसलिए पुकारा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सजा देने की वजह से, जैसे वो जलील हुए नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम नहीं कहते, इसी तरह ये आदमी उनसे मंसूबियत रख के जलील है। लफ्ज ईसाइयत के माने ऐसा आदमी जिसको जलील किया गया है। ये बात जो है उसमें आमाल में इसका तस्करा है कि पहली मरतबा मसीह जो है 1126 है आमाल में एक्ट में, पहली मरतबा अंताकिया में जो है मसीह का नाम, मसीह के नाम से बुलाया गया। तो इस तरह जलील किया कि ईसाइत के माने उनकी अपनी किताब से जलील करने वाली चीज। कुरान ने इसलिए हवारियों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कुरान ने यहूदियों के लिए यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया,
अल्लाह का कलाम है, किसी को जलील नाम से पुकारना अल्लाह को पसंद नहीं है, कहीं भी नहीं पुकारा गया। नसारा पुकारा गया, मदद करने वाले। आज हम हमारी जब ईसाइयों भाइयों से इस ताल्लुक से तस्करा करते हैं कि आप अपने आप को ईसाई क्यों कहते हैं जबकि आपका नाम ही नहीं है, उनके पास कोई जवाब तो है नहीं। तो ईसाइयत का जो माने आज लिए जाते हैं उस मंसूबा चीज से है जो अंताकिया में की गई थी, उसी को आज जारी करते हैं क्राइस्ट से। और 25 जनवरी को कहा जाता है कि पाल ने देखा, पाल कन्वर्ट हुए, यहूदी से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए। आज की जो क्रिसमस है 26 जनवरी को मनाई जाती, 26 दिसंबर को मनाई जाती, 25 जनवरी 25 दिसंबर को मनाई जाती। अभी 25 दिसंबर 25 क्या है नहीं मालूम, कहीं भी साबित नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम, कहीं भी नहीं मालूम क्रिसमस पैदा। ये ऐसी तारीखें हैं जिनके आता है ना पता, बहुत करीब से आता है तो वो बाल की और गया कोई गुनाह कर सलाम को वो हजरत ईसा अलैहि सलाम है उस वक्त रोम के बादशाह के साथ कोई बात ऐसी नहीं बात की सजा दी गई, कोई दीनी लाई गई ईसाइयत में और इसमें सलाहियत मौजूद नहीं है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने लोग पैदा हुए वो सारे के सारे गुनहगार थे और उनमें कोई भी खैर काम करने की सलाहियत नहीं। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। अल्लाह मोहब्बत करता है अपने बंदों से, जितना बड़ा गुनाह हो कफारा भी बड़ा होना चाहिए।
मैं दुनिया की सारी मखलूक को अल्लाह ने देखा, गुनाह इतना बड़ा है, कोई मखलूक भी इस गुनाह को पूरा करने के लिए बराबर नहीं है। तो अल्लाह ने फैसला किया इस गुनाह के कफारे के अदा के लिकदा करने के लिए अल्लाह को और उसको जलील तरीन सजा दिलाई गई ताकि वो गुनाह की तलाफी हो सके। ये बात की गई, मगर इसके सबूत में खुद बाइबल से कोई बात आए ऐसी कोई सबूत नहीं। बाइबल से कोई बात है भाई इसलिए आया, इस मकसद से आए, पैदा हुए थे। अगर वाकई ईसा अलैहिस्सलाम इस मकसद से आए थे तो उन्हें मौत का डर नहीं होना चाहिए था। जब उनको मालूम था ईसा अलैहिस्सलाम को मैं मरने के लिए आया हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, तो मौत से डरने की क्या बात है। जब आए ना ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि लोग पकड़कर इनको शरीफ पे चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ फैसला किया गया है, अतराफ से घेर लिया गया उनको, तो बड़े परेशान हुए, मौत से घबरा गए, अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह ताला तू मुझे बचा ले इन लोगों से, तू ही बचा सकता है, अगर मेरी किस्मत में बचना है तो बचा ले, अगर किस्मत में नहीं बचना है, मेरी ये तकदीर लिखी है तो फिर अलग बात। खुदा का बेटा और मौत से घबराए, ये बात उनकी किताबों में लिखी। तो ईसा अलैहिस्सलाम घबराए, घबरा गए, मौत से घबराने वाले। तो ये बात इसमें लिखी गई, अकीदे में लिखी गई है। ईसाइत को बिगाड़ा गया ताकि यहूदियों ने जो सजा दी है ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदियों के मुताबिक, कुरान उसकी तरदीद करता है, यहूदियों के मुताबिक जो कहा गया उन्होंने जलील करके हलाक किया गया, उसकी तस्दीक की है इसने, पाल ने, हुआ है ऐसा, मगर इसके पीछे मकसद दो था, उन्होंने किया जरूर है, ये नौजबिल्ला इनका इंतकाल हुआ, हलाक हुए हैं जरूर, मगर वो हलाक हुए हैं एक मकसद से, वो मकसद ये था कि सारी इंसानियत को आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह अजीम से बचाने के लिए, पैदाइशी गुनाह से बचाने के लिए इन्होंने जान दे दी। तो यहां दो किस्म के अकीदे आ गए, एक तो ये हुलूल तस्सीम, अल्लाह जिस्म में आया, एक अकीदा पैदा हुआ, इनकारनेशन, ईसाई मजहब का अकीदा क्या बना, अब तक यहूदियों का मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। बाद में यहूदियों में बिगाड़ा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाए, वो अलग चीज है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत यही, मगर ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को बदल कर आज की जो ईसाइयत, जो नाम इन्होंने खुद रखा है, जो बुरा नाम है, उस पर चलते हैं, उसका अकीदा क्या है, इनकारनेशन हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम में हुलूल कर गया तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। पैदा होने का मकसद क्या था, क्रूसिफिक्शन यानी सलीब पर चढ़ना, दूसरा अकीदा। क्यों सलीब पर चढ़ा गया, वो इसलिए चढ़ा गया कि ओरिजन सिन आदम अलैहिस्सलाम ने जो किया था, वो ओरिजन सिन के बदले में फिदिया दिया जाए, वो पाक आखिरकार मरा जाए, ओरिजन सिन को खत्म किया जाए, उसकी तलाफी हो, क्रूसिफिक्शन। अब क्रूसिफिक्शन होगा तो सवाल खुद ब खुद पैदा हो कि अल्लाह हलाक होता है क्या। अगर अल्लाह हलाक होता है, अगर पहले तो अल्लाह मादा है क्या, ये सवाल, तो मादे को अलग करने के लिए कहा, नहीं होली स्पिरिट है ये मादा, ये होली स्पिरिट अलग है, रूल खुदस है ये, मादा नहीं है, मादा रूल खुदस अलग सी चीजें हैं, मादा रूल खुदस खुदा ये तीनों मिलके एक है, ट्रिनिटी बनी, अल्लाह एक, अल्लाह के हुलूल तस्सीम का एक, और उसमें होली स्पिरिट है, पूरा इंसान नहीं है, तीनों मिलके एक है,
इस अकीदे को, अकीदे तसलीस को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है, मगर उन्होंने इसको इस किया। तो लॉजिकली अप्रोच, यानी गैर जरूरी ऐसा फलसफा बयान करना जिसका कोई सबूत नहीं दे सकते, उसको फलसफा बनाने की कोशिश, तो रूह वहां पर आ गई। अब आ गई, अब रूह तो मर नहीं सकती, रूह को तो मारा नहीं जा सकता, क्या होना चाहिए फिर? रूह फांसी लगी तो जिस्म को लगी होंगी ना, रूह को तो नहीं दे सकते फांसी आप। उन्होंने क्या किया इसको, लॉजिकल चल रहा है, क्योंकि ये गलती कर रहे हैं, दूसरी गलत दूसरी बात सामने आ रही, उसको सुधारने जा रहे हैं, तीसरी गलती आ रही, तीसरी को सुधारने चौथी आ रही, अब तीसरी के नहीं रिस्ट्रक्शन हुआ। तीन दिन के बाद फिर बाहर आए, हयात सानिया मिली, तो हयात उला और हयात सानिया के दरमियान फर्क क्या है? रिस्ट्रक्शन हुआ तो रिस्ट्रक्शन कैसा हुआ? क्या मरने के बाद आदमी का यही जिस्म होगा जो मरने से पहले होगा? नहीं मालूम। सो मेनी क्वेश्चंस कम्स टू द माइंड, कैसा आया नहीं साबित कर सकते। रिस्ट्रक्शन तीसरा कैद आया। अब रिस्ट्रक्शन हो गया, तीन चीजें हो गई, तो मकसद क्या था? एक तो खुदा का बेटा बनाना भुलूद तस्सीम से, क्रूसिफिक्शन करना, तीसरा आपका रिस्ट्रक्शन करना, ये सब का नतीजा क्या है? कफारा है, कफारे के लिए सारे चीजें की गई। तो मजबूरी तौर पर चौथा आ गया इनके पास अकीदा, के दरअसल अकीदे कफारा के लिए सारे अकायद करवाए गए। चार बुनियादों पर ईसाइत कायम की गई, जिसका कोई ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम से नहीं है। आज भी बाइबल में इसको साबित ही नहीं किया जा सकता, आज की मौजूदा बाइबल में भी, आज की मौजूदा बाइबल के लिहाज से इन बातों की तरदीद आसानी से की जा सकती है। तो आज की ईसाइत जिन बुनियादों पर खड़ी है, उनकी कोई, उनको बजायर वो मजबूत बताते हैं, मगर उनकी कोई बुनियादें किताबों से साबित नहीं है, इनके खुद के फलसफे से साबित हैं। और फलसफा आप जानते हैं मफरूजात पर होता है, मफरूजात पे होने वाली चीज हक नहीं होती, उसमें गुंजाइश होती, इबहाम होता है। इबहाम पे कोई मजहब नहीं बन सकता, इबहाम पे कोई अकीदा नहीं बन सकता। इसलिए आज की जो ईसाइत की हम बात करते हैं, जिसे हमें मुकाबिला है, हक के मुकाबले में एक इबहाम का मुकाबिला है। सारी ईसाइत की जो बुनियादें आज हमें नजर आती हैं, सिर्फ अजम्पशन पे हैं, मफरूजात पर हैं ईसा अलैहिस्सलाम के। जो भी हमसे झगड़ा है हक व बातिल का झगड़े में, बातिल में कम से कम कुछ बुनियाद होगी बोलने की, शैतान तो है वहां पर, यहां तो शैतान भी नजर नहीं आता, मफरूजा नजर आता है। शैतान का पैदा कर दे मफरूजे पे ईमान है शैतान से, तो शैतान की इन हरकतों में ये मुलविस। इस नौबत पर इसे यह ठहरी। और जो बात करते हैं वो ये कि इनका जो तरीका रहा है चर्च बनाने का, उसके बाद इनकी अगर तारीख देखें तो लंबी तारीख है। इस मजहब को इन्होंने 325 तक ये लड़ते रहे आपस में कि ट्रिनिटी अकीदे तस्लीस है या नहीं है। 325 में जब रोमन एम्पायर ने इसको एक सरकारी तौर पर कबूल किया तो ये सरकारी नजरिया बना। 325 ईस्वी तक का जो दरमियान में है वो लड़ाई है का, उसमें काफी से ज्यादा बहस इसी पे करती थी। साले इस्लाम प्रॉफिट थे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बेटे नहीं थे। अभी भी उनकी किताबों में ईसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट ही कहा गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को प्रॉफिट कहा, यरूशलेम के लोगों ने खुद को उनको प्रॉफिट कहा, यहां तक के यहूदी खुद भी इनको कहते थे कि ये प्रॉफिट है या इंसान है। खुदा के बेड़ा तो किसी ने नहीं कहा, ना ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहा थी, ना 325 तक कहा गया। ये खुदा का बेटा बनाने वाला बहसत, जो खुदा का पैदा हुआ बेटा, जना हुआ बेटा बनाने की जिम्मेदारी किस पर जाती है? सेंट पॉल पर जाती है, और उसी अकीदे को लेकर चल रहे।
इसकी तर्दीद कुरान ने चार अकीदों की तर्दीद कर दी कुरान मजीद बाज़ाब्ता तौर पर। मौका है तो मैं पढ़ लेता हूं इसको ताकि आप जान जाएं। कुरान ने जो इनकी तर्दीद कर दी, या अहलल किताब ला तगलो फी दीनकुम वला तकूलु अलल्लाहि इल्लल हक इन्नमल मसीह इब्नु मरियम रसूलुल्लाह कलिमतुहु अल्काह इला मरियम व रूहुम मिनहु फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। अकीदे हुलूल तस्सीम की तकजीब तर्दीद, अहले किताब अपने दीन में गुलू ना करो, अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब न करो, सिवाय हक की कोई बात बोली नहीं जा सकती अल्लाह को, अपने मफरूजात मत ठोंसो अल्लाह पर, जो कुछ तुम कह रहे हो ही नहीं सकता ही। बेशक मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उनकी कलमे है, अल्लाह का कलमा है जो मरियम पर अल्हा किया गया है। और रूह है अल्लाह की, कलमा और रूह दोनों का अलग अलग किया गया। इंसान की पैदाइश के लिए औरत और मर्द का होना जरूरी है। मर्द का नुतफा जब तक ना जाए औरत जो है ना बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मगर इसके लिए जरूरी नहीं कि औरत और मर्द हो। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में औरत और मर्द कोई नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम तो इंसान है, मगर हर जानवर की पैदाइश में, हर मखलूक की पैदाइश की जो इब्तिदा है अल्लाह के हुक्म से है, वहां कोई माँ बाप ने नर और मादा कहीं भी नहीं है। जो जानवर आपको नजर आता है पहले तो अल्लाह के हुक्म से ही पैदा हुआ, उसके बाद नस्ल बनी, उसमें नर हुआ मादा हुआ, अल्लाह ने कुसूल बनाया। पहले ऐसा करने के बाद सिलसिला ऐसा जारी रखो। पहला जो है कलमा है जो पैदा होने की बात, कुन फयकून की बात, जब कहा जाता है हो जा तो बस हो जाती है, हो जाएगी, इसमें कोई शक को शुबा नहीं। तो पहली जो पैदाइश है हर मखलूक की वो तो कलमा है, उसके बाद जो सिलसिला है रूह का सिलसिला है। यहां चूंकि बाप नहीं है, इसकी तस्दीक की जा रही कि अल्लाह की ये मोजिजादी पैदाइश है। तो इसलिए कहा कलमा, कलमा है अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है पैदा, और रूह मिन उसके साथ रूह है। जैसे कि कहा जाता है कि हर बच्चा जो पैदा होता है अल्लाह की रूह फूकी जाती है चार महीने के बाद, कोई भी अल्लाह की रूह फूके बगैर जिंदा नहीं, पैदा ही नहीं होता। जो हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में तो तस्करा है मर्द और औरत का, जब मिलाप होता है तो एक फरिश्ता आता है पूछता है कि अल्लाह इसको मिला दूं, मर्द के मर्ज में कोई औरत के अंडे से मिला दूं, क्या हुक्म होता है कि मिला दे। अब वो तश्कील पाता है चार महीने, फिर चार महीने के बाद फरिश्ता आता है कि अल्लाह क्या हुक्म है मैं इसमें रूह डाल दूं, अल्लाह कहता है रूह डाल दे, चल जाता है। हदीस में मौजूद है यह उम्मीद हर इंसान के साथ होता है, कोई नई चीज नहीं है। मगर चूंकि यह बाप नहीं है इसमें गाय कलमत हुआ, जैसा कि इसीलिए आदय भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी आदम अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम की तो और मुश्किल है ना, माँ बाप कोई भी नहीं थे। इसलिए यहां जो इशारा कजा लेगा यखलक मैयशा, जहां एक चीज की कमी है वहां अल्लाह का अमल आ गया, अल्लाह मौजूदाती तौर पर किसी को पैदा किया तो यखलक इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है अखलक तखलीक कर देता अल्लाह इसको।
जब जकरिया अलैहिस्सलाम की बात आई, जकरिया अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो गए थे, बीवी भी बूढ़ी हो गई थी, जब दुआ किए तो अल्लाह ने औलाद यहया अलैहिस्सलाम देने का वादा किया। जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, मैं कैसा पैदा करेगा बच्चा अल्लाह तू, अल्लाह ने कहा कि मैं पैदा कर दूंगा, मेरे लिए मुमकिन है, कोई मुश्किल नहीं है। वहां पर जो कजा लेगा यफअलु मा यशा, यखलकू नहीं है वहां, जकरिया अलैहिस्सलाम भी उनकी बीवी भी हैं, उसूल तो वही है। अब उसूल में हिजरत डाल देना, रूह डाल देना, अल्लाह का काम है। या फलो अल्लाह जो चाहे अमल करता है। तो यहां हुलूल तस्लीम का तस्किया वो बिल्कुल तरदीद कर दी कि ऐसा कोई मामला नहीं है। आमिनु बिल्लाही व रसूली, ऐसी बात है, इसीलिए कहा गया अकीदे तस्लीस मत मानो। वला तकुलु सलासतुन इन्तहु खैरल लकुम, अकीदे तस्लीस अल्लाह तीन है, ये बोलो मत बोलो, ये कहना है इन्तहु बाज आ जाओ खैरल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर, अल्लाह का क्या बिगाड़ लोगे तुम। अकीदे तस्लीस की तरदीद, इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, बेशक अल्लाह एक ही है, सुबहानहु वो पाक है हर चीजों से, उसको ना औलाद चाहिए, अन यकूनु लहु वलदन, अल्लाह वाला तो बेटा रखे, इससे पाक है। इसके वल्लाहु माफिस समावाती व माफिरत व कफा बिल्लाहि वकीला, जमीन में जो कुछ है वो सब उसी का, उसके मिल्कियत है। ये अकीदे की तरदीद कुरान मजीद ने साफ साफ कर दी। जब ये तरदीद कर दी कुरान मजीद ने, तो दावत के काम के लिए बड़ा बड़े सबसे बड़ा नुक्ता दिया है कुरान मजीद ने। क्यों, क्या ईसाइत की बात की इब्तदा मैंने इसीलिए की थी, क्यों, क्या किस लिए दिया? कुरान तस्दीक करता है बाइबल की, कुरान तस्दीक करता है तौरात की, कुरान तस्दीक करता है जबूर की, अपने तस्दीक करता है, तरदीद नहीं करता किसी किताब, तस्दीक के लिए आया, उन किताबों को सच बताने के लिए आया। जब कुरान ने ऐसे मोहकमात जुमले दिए हैं जिन पर आपको यकीन होना चाहिए, इन जुमलों पर ईमान रखकर अगर आज आप बाइबल में देखें, उनकी कहते गॉस्पल में देखें, तो ये बात आपको जरूर मिल जाएगी, कुरान के इस जुमले की तस्दीक मिलेगी। और लोगों ने मालूम कर रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं, मालूम कर रखा है, ईसाइत की बुनियादों को हिला दिया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा मुजज़ाती तौर पे पैदा है, तो बाइबल में और एक का तस्करा है, वो भी बगैर बाप के पैदा हुए। अगर इनको खुदा बोले तो उनको भी खुदा बोलना। हाँ बाइबल जी, क्या बोले आप? इंजील नहीं, इंजील तो है, बाइबल तो सारे किताबों का मजमा है, मगर जो किताब बोली जाती, देखो किताब को गलत बोलने से हमको मसला हल नहीं होता, जो किताब मौजूद है उसी तरह तो उसकी ताबीर ले। इंजील तो है, इंजील वो शक्ल में है, सारे उलमा सारे मुफस्सरीन इस बात पर राजी हैं कि अभी बहुत सारी बातें जो इंजील की थी उसमें मौजूद हैं, तहरीफात बहुत हो चुकी हैं, गैर मामूली तहरीफात को साबित करना तो बाएं हाथ का खेल है, उसके कोई मतलब नहीं, मगर उससे हमें फायदा क्या होगा? किताब को गलत बोलने से फायदा क्या होगा? उसी किताब से उनके अकायद को खत्म कर दें तो किताब खत्म होगी ना, हमको करने की जरूरत नहीं है, उसी किताब में लिखा हुआ है कि अगर है तो भाई और एक चीज है आपके पास, बगैर बाप के पैदा हुआ और एक उसको दस के रहा है, तो फिर ये खुदा हो तो वो भी खुदा हो ना, ऐसा नहीं है ये बात। और एक जो है अकीदे मसलूबियत का भी तरदीद कर दी गई, अकीदे मसलूबियत की तरदीद की गई तो साथ ही साथ री सिलेक्शन की भी तरदीद हो जाती है। जब सलीब पे ही नहीं चढ़े, मरे नहीं, तो फिर दोबारा जिंदा होने का सवाल क्या है? अगर मरे तो जिंदा होंगे ना, मरे नहीं तो जिंदा होने का क्या सवाल है? इसीलिए कुरान है वकौल हम इन्ना खतलना मसीह अबन मरियम मरियमा रसूल अल्लाह, ये लोग कहते हैं कि बेशक हमने मसीह इब्न मरियम को कत्ल कर दिया है,
वमा कतलहू वमा सलबहू। बड़ी अहम बात कुरान ने की, ना उन्हें कत्ल किया गया ना सलीब पर चढ़ाया गया। सलीब पे चढ़ाने का तस्करा क्यों है इसमें? क्योंकि लोग सलीब पे चढ़ाते, कत्ल हो क्यों बोला गया? इसके बाद की आपको शहादतें मिली होंगी, बाद लोगों को सलीब में चढ़ाया गया तो बास का इंतकाल भी नहीं हुआ, सलीब पे चढ़ा दिया फिर जिंदा निकल गए। सलीब पे चढ़ाना कत्ल करने के मुतरादिफ नहीं है, सलीब में जिंदा भी रह सकता आदमी, इसीलिए कत्ल हो सही गया, क्योंकि इनका पहला दावा कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ कैसा गया? सलीब पे चढ़ा कर किया गया इनको, ना उन्होंने सलीब पे चढ़ा ना कत्ल किया गया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, मगर उसमें शक डाल दिया गया उनको, ऐसा दिख रहा उनको ऐसा करे हम, बल्कि वल्लाहु अलम क्या है ना उन। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन्हुम, जो लोग उनसे भी इख्तिलाफ करते हैं वो भी शक में है, यहूदी भी शक में है, ईसाई भी शक में, उनको कत्ल करे नहीं करे नहीं मालूम, बस कत्ल करे बोलते बस रिसेप्शन हो गए, क्या है नहीं मालूम, पता ही नहीं। पर कुरान क्या कर रहा है? वह मालूम भी इन मिन इल्ला इत्तबा जन, वो लोग सी एक ख्वाहिश में मुब्तला है, एक जन है उनको हम कत्ल करें, बाद लोग बोल रहे हैं कत्ल हो गए, एक उनकी चाहत है, वो चाह रहे हैं ऐसा, हुस्न जन है उनका या गलत जन है। मगर कुरान क्या, वमा कत्ल हो यकीनन, यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया। जब कत्ल नहीं किया गया तो अकीदे मसलूबियत खत्म हो गया, साथ ही साथ रिसरेक्शन भी खत्म हो गया। हयात सानिया रिसरेक्शन के बारे में क्या कहा गया? रिसरेक्शन होगा जरूर, कुरान ने कहा कि तुम जो रिसरेक्शन बने वो रिसरेक्शन नहीं होगा। कैसा रिसरेक्शन है? कुरान कहा कि बल रफ अहुल्लाहु इलैही कानल्लाहु अजीजन हकीमा, अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, ऊपर उठा लिया, और पैदाइशी वक्त क्या बोलने लगाया था इनसे, ईसा अलैहि सलाम से बोलने लगाया था कि मैं रसूल हूं, जवानी में पहुंचकर जवानी में भी और बूढ़ा यानी उम्र कहल में भी, कहल जो उम्र है वो 50 से ऊपर की उम्र है, कहल का जो लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए होता है, 50 से 60-70 साल के लोगों के लिए होता है। मैं नबी